स्टूडेंट, टुडे वी विल टॉक अबाउट माउंटेन्स। माउंटेन्स कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, कितने फीट पे होते हैं, कितने मीटर पे होते हैं, कैसे बनते हैं, आज हम पढ़ेंगे। नाउ कम टू अवर चार्ट। माउंटेन्स दे डिफाइन लैंडस्केप, पीपल रिस्क देयर लाइफ टू क्लेम देम एंड दे कैन इवन मेक देयर ओन टेम्परेचर। अ माउंटेन इज अ लैंड फॉर्म दैट राइज हाई अबव इट्स सराउंडिंग, टॉलर देन अ हिल। इट यूजली हैज अ स्लिपी स्लोप अराउंड द शार्प पीक। माउंटेन आर rarely found alone. Group of mountains are called ranges. Line of ranges from mountain back. Landscape पे जो बड़े बड़े जगहों पर बने हुए थे माउंटेन्स, जहाँ लोगों को चढ़ना बहुत डिफिकल्ट होता है, उनका अपना क्लाइम वेदर बन जाता है। जितनी ऊंचाई पे चढ़ेंगे डिफरेंट वेदर चेंज होते रहेंगे। लैंडस्केप पे बड़े एरिए में बनाए जाते हैं माउंटेन, जो है लैंड फॉर्म पे बनते हैं, बहुत ऊंचाई पे बनते हैं। इनकी सराउंडिंग में कुछ भी नहीं होता, हिल से भी बड़े बड़े लंबे लंबे होते हैं और इनकी पीक भी बहुत बारीक होती है, शार्प होती है। अब जो ग्रुप ऑफ माउंटेन होता है उन्हें रेंज किया जाता है और उनको बेल्ट्स कहा जाता है। अ माउंटेन इज अ लार्ज लैंड फॉर्म दैट राइज अबव द सराउंडिंग लैंड इन अ लिमिटेड एरिया, यूजली इन द फॉर्म ऑफ पीक। अ माउंटेन इज जनरली कंसीडर्ड टू बी द स्लिपी देन द हिल। The highest mountain on earth is a Mount Everest in the Himalayas of Asia. Whose summit is 8,860 meters, 28,035 feet above mean sea level. Mountain जो है बहुत बड़े land जगह पे, मतलब इस तरह के बहुत बड़ी जगह पे ऊंचाई पे बनाया जाता है। उनका limited area होता है, मगर वो उसी जगह पर और ऊंचे होते रहते हैं। उनकी peak बहुत बड़ी होती है, पहाड़ों से भी, hill से भी बहुत ऊंची होती है। और जो highest mountain है earth में, पूरी दुनिया में, वो Mount Everest है हिमालय में, जिसकी ऊंचाई फीट और मीटर क्या है, 8,850 मीटर है और फीट्स क्या है, 29,035 फीट। K2 इज द सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड एट 8,611 meters, 28,251 फीट है इसका। इट इज ऑल्सो नोन एज द माउंट गोड बेन ऑस्टा एंड चुनाय। K2 इज अ पार्ट ऑफ कराकोरम रेंज। इट इज लोकेट पार्टली इन चाइना and the firstly survive of Karakoram. At that time the survivor grace even mountain is simple labor K follow by the number. K2 हमारा second highest mountain कहलाता है, जिसकी meter क्या है, जिसकी meter में क्या है, length उसकी 8,611 meter में, feet क्या है 28,251 feet का है, जिसे हम और किस तरह नाम से बताते हैं, Mount God Ventus के नाम से बताते हैं। K2 कहाँ होता है, कराकोरम रेंज में हो जाता है, जो चाइना के लोकेट में आता है हमारा। और इसका नाम K2 इसलिए कहा गया, जो पहला बंदा गया था वो कराकोरम से गया था, तो उसने इसका नाम एज अ नंबर में K रख दिया, अल्फाबेट्स में K रख दिया। नाउ K2 एट 8,611 मीटर 28,251 फीट अबव सी लेवल, इतना ये सी से ऊपर होता है, सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड है आफ्टर माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर 29,028 feet. It also located on the China-Pakistan border between the Baluchistan Gilgit region of the northern Pakistan. K2 की जो फील्ड्स हैं वो नाउ जो है माउंट एवरेस्ट से भी थोड़ी कम है, जो हमारे कहाँ लोकेट करता है, चाइना पाकिस्तान के बॉर्डर में, ठीक है, जो गिलगिस्तान बलूचिस्तान के नॉर्दर्न पाकिस्तान में आता है। K2 is known as a survivor mountain as it very hard to claim. It is considered to be the harder claim than the Mount Everest. K2 has the second highest fatality rate among the 8,000 meter mountains. 1% death for every 4 who reach the top. As of 2011, only 300 people came to the top of the mountain. At least 80 people has died trying to claim. So K2 has never been काम ड्यूरिंग द विंटर। K2 बहुत बड़ा है, जो सर्वाइवर है बहुत कम लोग इस पर चढ़ पाते हैं। एक जो है 2011 में 300 पीपल इस पर क्लेम कर रहे थे, जिसमें से 80% डेथ हो चुके हैं, और ये विंटर में कभी भी नहीं चढ़ा जाता क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा धुंध, पहाड़ वो जो है वेदर चेंज होता रहता है। द लास्ट वन K2 is 8,611 meter or 28,255 feet. It is second highest peak in the world. It grow about 1 centimeter in a year. In the future, I predict that K2 will pass Mount Everest and it will become the highest peak in the world. K2 की जो मीटर में है लेंथ, उनकी क्या कहलाता है, 8,611 मीटर और 28,251 फीट जो है वो सेकेंड हाईएस्ट पीक है ऊंचाई में दुनिया में, और ये हर साल एक इंच बढ़ता है। और मेरी प्रिडिक्शन है कि K2 इस साल के कुछ नए सालों में माउंट एवरेस्ट से भी आगे बढ़ जाएगा।
Now students, same like this, you have to write few points on mountain in your worksheet. I hope आज का lecture आपको समझ में आया. अल्लाह हाफिज़.